नमस्कार अमाला फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पूरे विश्व में जहां क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी, तो वहीं अम्बाला कैंट के होली रिडीमर कैथोलिक चर्च में देर रात दो युवक आए और उन्होंने यीशु मसीह की मूर्ति को तोड़ दिया, जिससे क्रिश्चियन समाज के लोगों में काफ़ी रोष है। चर्च के फादर एंटो ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। इसके चलते पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं थाना प्रभारी नरेश कुमार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद जो है मतलब आधी रात को करीब 12:30 बजे करीब दो लोग वहाँ से एंटर होते हैं गेट खोद के और लाइटें वगैरह तोड़ते हैं। उसके बाद करीब 1:40 के आसपास आज ये सर्विस का जो मूर्ति है काफ़ी पुराना मूर्ति है, कांच की केस है, लेकिन आप कांच तोड़ के मूर्ति गिराया गया नीचे और पता नहीं कैसे तोड़ा गया, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है सभी के लिए, हमारे जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं क्रिश्चियंस उनके लिए, बाकी लोग भी आते हैं। इतने सालों से हैं कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, कितने लोग चर्च में आते हैं ना, सारे लोग अच्छे होते हैं, पता नहीं कभी कोई इतना लोग निकल जाते हैं जिनकी पता नहीं क्या उनकी इच्छा है, क्या चाहते हैं, क्या कंडीशन है। लेकिन हाँ रिलीजियस सेंटीमेंट काफ़ी हर्ट हुए हैं, बस इतना कहना। देखिए, ये बीती रात्रि कुछ शरारती व्यक्तियों ने यीशु मसीह महाराज जी की मूर्ति को खंडित किया है। इस संबंध में हमें चर्च के पादरी पत्रस मुंडू जी ने एक शिकायत दी है, जिस शिकायत पे आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश के लिए हमने टीमें लगा दी हैं। साइबर एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, सीन ऑफ क्राइम टीम को मौका पे बुला रहे हैं, तो जल्दी इसमें हम आरोपियों को गिरफ्तार कर।